हाय एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट मिनी ब्लॉग। और आज मैं मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी और अपना मेकअप कर रही थी। मेकअप करते करते यही सोच रही थी कि आज कुछ भी हो जाए, मैं वापस आने के बाद अपना स्किन केयर करने वाली हूँ, अपना क्लीन अप करने वाली हूँ, क्योंकि होली के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। और यस, मैं मीटिंग के लिए रेडी हो चुकी थी और मीटिंग भी कर लिया, प्रॉपर मेरी ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी मेरी। और जैसे मैं रूम पर वापस आई तो मैंने सोचा आज मैं कितना भी थकी हुई हूँ कोई बात नहीं, पर मैं अपना स्किन केयर ज़रूर करने वाली हूँ। और मैंने देखा मेरे पास स्किन फॉर्मूला 9 का विटामिन सी ग्लो शीट मास्क था, तो इसी से मैं करने वाली थी। तो सबसे पहले ना मैंने अपना मेकअप उतारा और फेस वॉश कर लिया, और फिर उसके बाद पपाया स्क्रब था मेरे पास नेचुरल का, तो उससे मैंने स्क्रब कर लिया। और स्क्रब करने के बाद मैंने शीट मास्क को निकाला, और उस शीट मास्क को निकालने के बाद मैंने अपने चेहरे पे उसको लगा लिया। हाँ, थोड़ा सा ध्यान से मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि क्या है ना कि प्रॉपर आपका फटना नहीं चाहिए, वो आपके फेस पे अच्छे से वो अटैच्ड हो जाए। तो सीरम से क्या है, ये पूरा भीगा हुआ होता है, तो अच्छे से ध्यान से मैंने कर लिया। और उसके बाद मैंने 15-20 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि इतना अच्छा रिलैक्स फील होता है ना, ठंडा फील होता है, मैं बता नहीं सकती। उसके बाद उस पेपर को निकालने के बाद अच्छे से गर्दन पे और एल्बो पे मैंने उसको मसाज कर लिया, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा सा कालापन रहता है ना, तो मैंने वो कर लिया। और जो सीरम बचा हुआ था उसको अच्छे से फेस पे मैंने 10 मिनट कम से कम उसको मसाज किया होगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें जो एक्स्ट्रा सीरम है वो हमारे स्किन पे पेनिट्रेट हो और अच्छे से ग्लो आए और अच्छा रिजल्ट आए। और ये मैं करती रहती हूँ, कम से कम वीक 2 वीक में करती रहती हूँ ये चीज़ें, जिससे कि स्किन अच्छा रहे मेरा। और आपको ऐसे वीडियोज़ अगर अच्छे लगे हो ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही ब्लॉग बनाती रहूँ और ऐसे वीडियोज़ आपके लिए बनाती रहूँ। देखिए, मैंने प्रॉपर 10 मिनट इसको मसाज कर लिया है, और ये करने के बाद जो आपको रिजल्ट आएगा ना, आप देख रहे हैं जो ग्लो मेरे चेहरे पे दिख रहा है आप।